ही हर्ष का विषय है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय किया है। यह निर्णय बहुत ही सुखद अनुभव देता है और सुख की अनुभूति देता है। आडवाणी जी हमारे उन नेताओं में से हैं, पहली पीढ़ी के नेता हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही देशभक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देश को मजबूत करना और राष्ट्रीयता की भावना से राजनीतिक दल में, भारतीय जनसंघ में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उन्होंने जमीनी स्तर से कार्य को समझा, जाना और कार्य को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल में, यानी पिछले वर्षों में, बहुत उतार भी देखे और चढ़ाव भी देखा, यानी बहुत ऊंचाइयां भी देखी हैं। लेकिन आडवाणी जी ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को सींच करके विपरीत परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करने का काम किया और बाद में वह एक सफल उप प्रधानमंत्री के रूप में भी और भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। हम सब लोग, और हम ही सब लोग नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के बाहर भी बहुत बड़े संख्या में लोग उनके जीवन से प्रेरित होते हैं और उनके कर्तव्य बोध के साथ, जो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश की सेवा की है, उससे वो बहुत प्रभावित भी होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो निर्णय लिया है, यह सुख की अनुभूति देता है। मैं अपनी ओर से माननीय आडवाणी जी को और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय मोदी जी, जिन्होंने ये निर्णय लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस निर्णय के लिए, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।